स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास फोर के मैथ में एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर है फ्रैक्शन बताने जा रहे हैं। इसमें फ्रैक्शन में जान लीजिए कि जो भी फ्रैक्शन में कोई अंक अगर लिखा रहे, जैसे यहाँ 1/3, इसमें ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है, मेक द डॉट्स ऑन द 1/2 ऑफ द फिगर्स गिवन अहेड, यानी कि जो ये दिए गए जो फिगर है इनका जो है आधा हिस्सा हमको जो है डॉट से दिखलाना है, डॉट से भरना है या कलर कर देना है। और एक बात और जान लें कि इसमें जो ये नीचे जो दिया हुआ है ये टोटल पार्ट्स को बतलाता है और ऊपर में जो भी अंक दिया हुआ मिले आपको उतना को डॉट करना है, उतना कलर करना है, ये बताता है। यानी कि मतलब हुआ कि जो इस क्वेश्चन में जो भी पार्ट्स दिए होंगे तो कितने दिए होंगे, 2 पार्ट्स दिए होंगे। रंगना कितना है, डॉट कितना दिखाना है, 1 को। यहाँ देख सकते हो आप कि इसमें जो है 2 पार्ट से इसमें 1 को हमको डॉट से या इसे कलर कर देना है ताकि अलग लगे। इसमें भी ऐसा ही कर लेंगे या ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट डॉट कर रहा है क्वेश्चन में, बस इसका भिन्नता दिखाना है कि हाँ इसका आधा हिस्सा जो है कलर किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि मेक डॉट्स ऑन द 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें जो है डॉट कितना में बनाना है, 1/3 में बनाना है, यानी कि 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा को बनाना है, डॉट करना है। तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ हमको कितना मिलेगा, 3 पार्ट्स यहाँ पे मिलेंगे हमको, उनमें से 1 को जो है कलर करना है। देख रहे हैं 1, 2, 3, 1 पार्ट्स कोई भी हम जो है डॉट डॉट से दिखा देंगे, हमारा जो है हल हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही कोई भी 1 कर देंगे, इसमें भी कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में और भी आपको किताब में और हैं, यहाँ पे 1, 2, 4 बताया है, 3, 4, 5 ये आगे और भी होंगे, इसमें भी 1, 3 और 4 बताया है, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसमें भी 6 सवाल होंगे। इसमें भी देखिए कह रहा है तीसरा में, मेक द डॉट्स ऑन द 2/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि जो भी क्वेश्चन में हमको मिलेगा पार्ट्स उसमें टोटल पार्ट्स होगा 3 और हमको कलर कितना करना है, डॉट कितना करना है, 2 करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2, 3 पार्ट्स है, इसमें से करना कितना है, 2 पार्ट्स को करना है। तो यहाँ पे ऐसे हम कर लेंगे 2 पार्ट्स, कोई भी ये 1 को बस छोड़ देंगे, इसमें भी 2 पार्ट्स को कर लेंगे। इसमें भी आप कर सकते हैं अपने बुक में, या कॉपी में भी कर सकते हैं, साफ सुथरा पेंसिल से उतार करके। अब आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में, आपको हम बुक से दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें नया नहीं करना है। कह रहा है कि मेक द डॉट्स ऑन द 1/4 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आप जो है इस नंबर से भी आप अब जो है अपने आप में कंसीडर कर रहे होंगे कि जो भी ऊपर वाला जो पार्ट्स दिया हुआ है, ऊपर जो अंक दिए गए हैं उतना ही अंक को हमको डॉट करना है, और ये तो बता रहा है बस कि कितने कुल पार्ट्स हैं, यानी कि ये 4 पार्ट से 1 को डॉट करना है। टोटल 4 पार्ट से 1 कोई भी यहाँ पे डॉट कर लेंगे, इसमें भी 1 कर लेंगे, इसमें भी, इसमें भी। 5 नंबर में अब आपको हम बता दे रहे हैं, बोर्ड पे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम बुक में देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि राइट द फ्रैक्शंस शोइंग द डॉटेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यानी कि जो इसमें दिया गया है, इसमें क्या किया है कि जो डॉट पार्टेड है हमको उसमें जो है फ्रैक्शन में लिखाना है, यहाँ पे हमको लिखना है। तो लिखने का तरीका हमारा ये होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया गया था उसमें नंबर दिया गया था, उसमें हमको फिगर को कलर करना था, इसमें फिगर दिया हुआ है या नंबर हमको भरना है। तो देखेंगे कि
देखा था कि जितना नंबर लिखा हुआ था वो नीचे में वो उसका पार्ट्स था। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग जो है इसका टोटल पार्ट्स जो है चेक करेंगे कितना है। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे न्यूमरेटर के जगह पर हम 7 रख देंगे। और कितना कितने पार्ट्स को जो है कलर किया है या डॉट किया है तो ये भी काउंट करते हैं 1 2 3 4, उसे जो है ऊपर लिख देंगे। इस प्रकार आप जो है अच्छे से बना लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बुक में भी जो दिया हुआ है उसी तरह से करना है जैसे अभी बताए हैं कि जितना पार्ट जो है कलर है उसको उतना नंबर काउंट करके ऊपर लिखेंगे और जितना टोटल है उसको जो है नीचे में लिख देंगे, वैसे ही कर लेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आगे आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।